डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 को पढ़ रहे हैं, 7.6 को। तो चलिए देखते हैं, 7.6 का मतलब इंटीग्रेशन का बाई पार्ट रूल है ना। तो एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 यानी कि 18 तक के डिस्कस किया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे होंगे, के पावर एक्स ब्रैकेट में है 1/x माइनस 1/x² इंटू डी एक्स का हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करो। हम लोग दोस्त फार्मूला पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन रहेगा के पावर एक्स और एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स रहेगा, तब इसका जो आंसर होता है, आंसर के पावर एक्स और एफ एक्स होता है, प्लस सी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, हियर आप एफ एक्स मान लो 1/x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना भाई, एक्स के पावर माइनस वन, ऊपर जाएगा तो माइनस वन। अब इसका हम लोग dy/dx यानी कि एफ डैश एक्स निकालो, तो ये पहले आ जाता है माइनस वन, और ऊपर भी एक घट जाता है तो माइनस टू, यानी कि माइनस 1/x². दोस्त यानी कि एफ एक्स यहाँ पे 1/x है और एफ डैश एक्स है माइनस 1/x². तो हम लोगों ने रूल्स पढ़ाए कि अगर दोस्त एफ एक्स रहे और उसके अंदर में एफ डैश एक्स रहे, तब हम लोगों का के पावर एक्स और एफ एक्स आंसर हो जाता है। सो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस 1/x² डी एक्स का, वो होगा के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स मतलब 1/x प्लस में सी, और के पावर एक्स को 1 से मल्टीपल करेंगे तो के पावर x/x प्लस सी। इस तरीके से ये हो जाएगा हम लोगों का टोटल आंसर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है भाई। तो एक्स माइनस 3 इंटू के पावर एक्स बट्टा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको करना है, चलिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए दोस्त ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, के पावर एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और डिवाइडेड एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के पावर एक्स का, तो के पावर एक्स रखा। अब ये माइनस 3 है ना, ये माइनस 3 है, इस माइनस 3 को हम लोग, तो देख पा रहे होंगे एक्स माइनस 3 है ऊपर में, है ना। हमको यहाँ पे एक्स माइनस 1 लाना है, तो क्यों ना हम माइनस 3 को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, एक्स माइनस 2 और माइनस 1। ऐसा करने से हम लोगों को तो माइनस 3 मिल जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 मिलकर माइनस 3 हो जाता है, और डिवाइडेड एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स। अब भाई इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के पावर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 को साथ में रखें और माइनस 2 को अलग कर दें, यानी कि ब्रैकेट में हम लोग इसको माइनस 1 को एक साथ भी रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और डिवाइडेड क्या है, तो एक्स माइनस 1 का क्यूब। हम लोग जानते हैं ना भाई कि अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो एक्स माइनस 1 के भी नीचे एक्स माइनस 1 का क्यूब तोड़ेंगे और माइनस 2 के नीचे भी एक्स माइनस 1 का क्यूब तोड़ेंगे, होगा ना ऐसे। अब एक्स माइनस 1 का पावर ऊपर 1 है, नीचे 3 ठो है, तो यहाँ से कटेगा तो 2 ठो बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर इंटीग्रेशन के पावर एक्स और 1/x-1 का स्क्वायर माइनस 2/x-1 का क्यूब,
ठीक है, इंटू डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, इसको दो पार्ट में तो ब्रेक हो गया, एफ एक्स मिल गया और एफ एफ डैश एक्स है कि नहीं देख लेते हैं। हियर यहाँ आप देख लो, एफ एक्स का वैल्यू 1/(x-1) का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या x-1 के पावर -2, आराम से लिख सकते हैं। अब इसका जरा डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, तो जो पावर होता है -2 वो पहले आ जाएगा, तो -2 x-1 के पावर, ऊपर एक घटाना है तो -3। अब यहाँ हो जाएगा -2 इंटू, ये -3 है तो नीचे जाएगा तो कितना होगा, पावर 3। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे -2/(x-1) का क्यूब मिल गया, यानी कि जो क्वेश्चन में था एफ एक्स उसी का एफ डैश एक्स भी है। तब तो हम लोगों को फार्मूला पे आ गया कि दोस्त अगर e के पावर x रहे इंटीग्रेशन में, अंदर एफ एक्स रहे और एफ डैश एक्स रहे, तब हम लोगों का e के पावर x इंटू एफ एक्स आंसर हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा e के पावर x इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स तो पहले वाला है क्योंकि ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ। हम लोग चेक करने के लिए ऐसा करते हैं कि क्या एफ एक्स का वैल्यू जो है उसका डिफरेंशिएशन करके उसमें है या नहीं है, तो उसमें डिफरेंशिएशन करके जो निकला उसी क्वेश्चन में मौजूद है। तो जब एफ एक्स रहे और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी के साथ रहे, तब e के पावर x और एफ एक्स रखते हैं, तो एफ एक्स कितना है 1/(x-1) का स्क्वायर प्लस में c। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e के पावर x को 1 से मल्टीपल करेंगे e के पावर x और डिवाइडेड x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, इस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर b को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर 7.6 का क्वेश्चन, e के पावर 2x इंटू साइन एक्स। दोस्त e के पावर 2x और साइन एक्स जो है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में है उसको आप i मान लो, i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में था उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, आई। अब यही आई का मतलब हमको निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इसको इंटीग्रेट करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो e के पावर 2x एक गुना में है और दूसरा साइन एक्स गुना में है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन अगर गुना में रहेगा तो किसी एक को u बोल देते हैं और दूसरा को भी बोल देते हैं। अब किसको u बोलेंगे किसको भी बोलेंगे, ये बात थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब u इंटू भी तो पता चल गया कि यहाँ पे u इंटू v का इंटीग्रेशन करना है, तब हम इसी को दोस्त बोलते हैं बाई पार्ट रूल, ठीक है। अब इस बाई पार्ट रूल पे हम लोगों को काम करना है। अब ये बाई पार्ट रूल कैसे काम करता है, तो इसमें हम लोग एक सीखे थे इलेट रूल। अब इलेट रूल के माध्यम से हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि किसको यू लेना होता है किसको वी लेना होता है। तो ई के पावर 2x है, जहाँ पे भी ई रहता है ना वो चला जाता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई के पावर कुछ समथिंग। तो यहाँ e जो है बेस में है, तब हम बोल देंगे कि ये किस कैटेगरीज में आते हैं, e में आते हैं, मतलब कि एक्सपोनेंशियल में आते हैं। और ये रहा हम लोगों का ट्रिगो, ठीक है, ये रहा हम लोगों का ट्रिगो। तो ट्रिगो किस में आते हैं, तो t में, यानी कि साइन एक्स साइन टू है। अब इलेट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो सबसे पहले आता है ना दोस्त, तो u का वैल्यू हो जाता है। तो यहां से बोलेंगे कि हियर आप इलेट में देखोगे तो e और t में t पहले आता है, इट मीन्स कि u का वैल्यू हो गया साइन एक्स और v का वैल्यू हो गया e के पावर 2x, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं बाई पार्ट रूल क्या है। तो अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी का करना होगा तो हम फार्मूला पढ़ें, u को बाहर करके v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू वी का इंटीग्रेशन और पूरा का फिर से इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन। तो इसको फार्मूला पे पुट करेंगे तो यू को तो सबसे पहले बाहर निकालते हैं, साइन एक्स को बाहर निकाला, भी का इंटीग्रेशन ई के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन यू का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन का मतलब u का वैल्यू है साइन एक्स बट्टा में dx और इंटू वी डी एक्स यानी कि ई के पावर 2x इंटू dx और पूरा का फिर से dx। क्लियर? अब आप देख पा रहे होगे कि साइन एक्स तो ऑलरेडी बाहर है साइन एक्स, अब ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन आपको याद आना चाहिए दोस्त कि ई के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो वही होता है ई के पावर x। तो यहाँ ई के पावर 2x है तो ई के पावर 2x ही होगा, लेकिन x का कोफिशियंट x का गुणांक 2 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो हो जाता है हम लोग डिफरेंशिएशन कोस एक्स और इनटू इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ई के पावर 2x और डिवाइडेड 2 इनटू डीएक्स। ठीक है, इनटू डीएक्स ये वाला। अब आप देख पा रहे होंगे कि इधर वाला क्या बन रहा है, इधर बन रहा है हम लोगों को साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, अब ये 1/2 को हम अगर कॉमन कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। हम बात करें तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते चले आ रहे हैं तो इसको भी तो हम लोग i बोल सकते हैं ना भाई, कि i का वैल्यू निकल रहा है i बराबर। अब हम फिर से लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू साइन एक्स ई के पावर 2x डिवाइडेड टू माइनस 1/2, अब ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट देंगे थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको देख पा रहे होंगे अंदर में फिर से u इंटू v लगाना पड़ेगा क्योंकि cos x और ई के पावर 2x। cos x हो गया हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ये हो गया u और ये हो गया एक्सपोनेंशियल यानी कि v। u को बाहर करो यानी कि cos x को बाहर, इंटीग्रेशन किसका e के पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस फिर से हम लोग cos x को डिफरेंशिएशन cos x बट्टा dx इंटू इंटीग्रेशन छोटा वाला e के पावर 2x dx और पूरा का dx। ध्यान दीजिएगा i इज इक्वल टू फिर से क्या मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी बाहर है यानी कि साइन x इंटू ई के पावर x बाई 2 माइनस 1/2 बड़ा ब्रैकेट cos x का तो cos x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 इसका होगा माइनस cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोस्त साइन x और इंटू ई के पावर 2x का e के पावर 2x बाई 2 और इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से फिर अगेन लिख सकते हैं, अगेन अगर बात किया जाए तो यही i का जो वैल्यू होगा i इज इक्वल टू यहाँ क्या है भाई साइन एक्स e के पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 और ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 फिर से माइनस। अब ये वाला जो 1/2 है इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x या फिर इसी को लिख सकते हैं ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोस्त कुछ इस तरीके से बन रहा है आई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 1/2 और इस 1/2 को यहाँ वाला जो 1/2 रहा इसको बाहर किए तो ई के पावर 2x साइन एक्स बच रहा है। दोस्त क्वेश्चन में फिर से आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग जरा अच्छे से सॉल्यूशन करें तो मिल रहा है क्या आई इज इक्वल टू
साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस 2 2 से मल्टीप्ल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई 2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 बाई 4, 2 2 जा 4, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ई के पावर 2x साइन एक्स डी एक्स ये हम लोगों को मिल रहा है। अब आप देखो यहाँ पे ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, आई। ठीक है, तो अब क्या हम लोग इस यहाँ पे भी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आई। तो यहाँ क्या होगा, आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 4 प्लस 1 बाई 4 इंटू में आई। देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे तो हम लोग आई पुट कर दिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को ही आई माने थे। तो क्वेश्चन को आई मानने का वजह क्या था, क्योंकि फिर अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर अगर ये आएगा तो फिर कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि यू इंटू वी यहाँ पे चलते लगेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई मान लिए। अब जहाँ कहीं भी आई दिख रहा होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 1/4 है, यहाँ पे भी माइनस 1/4 है। अब ये 1/4 आई को आई तरफ ले आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, आई ऑलरेडी है और ये माइनस से इधर आएगा तो 1/4 आई बचेगा और इज इक्वल टू यहाँ बचेगा साइन एक्स ई के पावर 2x बाई 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 4। ठीक है, अब इस i को लिख सकते हैं ना i बाई 1। ठीक है, अब i बाई 1 और 1 बाई 4 आई को ऐड करेंगे तो 1 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। 1 से 4 बार में कटेगा यानी कि 4i प्लस 4 से 4 बार में कटेगा यानी कि i इज इक्वल टू यहाँ यहाँ से क्या कॉमन है भाई, यहाँ से है e के पावर 2x बाई 2 कॉमन। तो e के पावर 2x बाई 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस यहाँ क्या बचेगा तो 1 बाई 2 कॉस एक्स, ये ना बचेगा। अब आप देख लो यहाँ 2 है तो 2 से 2 बार में कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बच रहा होगा कितना, 5i बाई 2, करेक्ट, 5i बाई 2 इज इक्वल टू e के पावर 2x, यहाँ बच रहा होगा साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। अब ये आई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सब में 2/5 से गुना हो जाएगा, यानी कि 5/2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो 2/5 ई के पावर 2x ब्रैकेट साइन एक्स माइनस 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस सी लगा सकते हैं, जरा एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 थे एक्सरसाइज 6.7.6 का। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आंसर जो है किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आंसर मैच करना भी पड़े। तो ये रहा हम लोगों का 8.1, 7.6 का 21 नंबर। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है e के पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा ऐसा है ना दोस्तों, तो चलिए आंसर को मैच कर लेते हैं। ये वाला जो i का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये वाला 2 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को छोड़ देंगे, e के पावर 2x बाई 5 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ले जाकर तो 2 साइन एक्स माइनस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा कॉस एक्स प्लस सी। हालांकि इतना पे भी आप आंसर्स छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बट्टा 5 किए, 2 को क्या कर दिए,
मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। मात्र और मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 23 और 24, ये दोनों क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बच गया दोस्तों। तो आपको ट्राई करना है आगे ऑब्जेक्टिव का 2 क्वेश्चंस, और नहीं होता है तो फिर अगले दिन हम सॉल्व करेंगे और फिर एक नए एक्सरसाइज में हम लोग इन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।